फोटो वोटो खींचेगी तो बाल कटा लेता हूँ। तो मेरे को ना अपनी शक्ल तभी दिखती है जब मैं बाल कटाता हूँ। तो मैंने देखा तो बहुत बाल सफ़ेद हो गए थे। फिर मुझे याद आया कि मैंने पहला सफ़ेद बाल पहले तुम बिन की शूटिंग के टाइम देखा था। तो ये एक बड़ा भयंकर कनेक्शन है सफ़ेद बाल का और दोनों तुम बिन का। मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता था भूषण जी के लिए। तो ऐसा ही एक वीडियो में शूट करा था वाटर वर्ल्ड में, वाटर किंगडम ना, यस वाटर किंगडम। तो 3 बजे सुबह भूषण जी का फोन आया, बोले कि अच्छा पिक्चर बनाओगे? तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में, दुनिया में किसी को भी ऐसे कोई पिक्चर ऑफर हुई होगी, पिक्चर बनाओगे? तो मैंने कहा सर पिक्चर ही बनाने आया था बॉम्बे, अभी सीरियल बनाता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ, क्यों नहीं बनाऊंगा, कहानी है। मैंने कहा हाँ कहानी भी है। तो बोले मैं आ रहा हूँ कल बॉम्बे आ रहा हूँ, रात को खाना खाते हैं, कहानी सुनाओ। तो आई स्टिल रिमेम्बर किशन जी, भूषण जी, मैं, तो हम लोग ऊपर नीचे रहते थे, तो इनके घर पर डिनर कर रहे थे। तो मैंने इसे 2 लाइन में तुम बिन की कहानी सुनाई, भूषण जी ने मुझे 11 रुपये दे दिए निकाल के। हाँ ये इनका शगन है, इन्होंने मुझे तुम बिन 2 के लिए भी 11 रुपये का ही शगन दिया था। नहीं बाद में ज़्यादा दिए, वो मैं बताऊँगा नहीं लेकिन वो 11 रुपये दे दिए और तुम बिन 1 शुरू हो गए। ऑनेस्टली सच बताऊँ तो अभी 6 फिल्में बना चुका हूँ, ये 7वीं है जो आपके सामने आ रही है। पिक्चर की हिट होना, चलना, नहीं चलना वो एक अलग बात होती है, पिक्चर का एक लंबे समय तक जिंदा रहना एक अलग बात होती है, जो मुझे लगता है कि तुम बिन की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप सोच के देखो 2001 से लेकर 2016 के बीच में कितनी फिल्में आई होंगी जिनको लेकर के, सीक्वल को लेकर, सीक्वल तो नहीं है वैसे, फ्रेंचाइज है, जिसको लेकर इतना एक्साइटमेंट हो। आई थिंक कुछ 2-3 साल पहले से, जब से 2 का दौर शुरू हुआ है, तो ट्विटर पे, फेसबुक पे भयंकर प्रेशर रहा है कि ये तुम बिन 2 बनाई जाए। और भूषण जी ने भी कहा कई बार, पर मेरे पास कहानी नहीं थी कोई। फिर एक दिन कहानी हो गई तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा एक कहानी है सुनोगे आप? बोले आ जाओ। तो मैं गया, मैंने कहानी सुनाई, इन्होंने फिर 11 रुपये दे दिए मुझे और उसके 3 महीने के बाद हम लोग स्कॉटलैंड में शूटिंग कर रहे थे, एंड वी हैड सो मच फन। नहीं सोनिया मेहर हमें बताएं, वो हुआ कुछ यूँ कि एक्चुअली एक छोटी सी खबर है, एक्चुअली पता नहीं शायद बड़ी हो कि हम लोग एक साथ 2 टीज़र्स रिलीज़ कर रहे हैं, और उसकी कहानी कुछ यूँ रही कि हमको जो हमारी प्रोमो मेकिंग टीम है, ट्रिगर हैप्पी, अमित और राहुल वगैरह, उन्होंने हमको 2 टीज़र्स दिए कि आप इसमें से एक चूज़ कर लो अच्छा लगे। तो मैं और भूषण जी साथ में देख रहे थे और दोनों को दोनों बहुत अच्छे लगे। अब दोनों में से कोई भी कमिटी नहीं कर रहा था कि कौन सा टीज़र पहले एयर पे जाए, और अचानक दोनों के मुँह से साथ साथ निकला दोनों रिलीज़ कर दें, और हमने ऐसे डिसाइड किया कि हम 2 टीज़र्स रिलीज़ करेंगे। तो पहले आपको 1 टीज़र दिखाया जाएगा, उसके बाद थोड़ी बातचीत करेंगे और फिर एक और टीज़र दिखाया जाएगा।